चुनावी रणनीतिकार और जेडीयू के उपाध्यक्ष लगातार जेडीयू से अलग और एनडीए गठबंधन के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सीएबी और एनआरसी के विरोध के बाद अब प्रशांत किशोर अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक परामर्शता कंपनी आईपैक ने उनसे हाथ मिला लिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे ये खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आईपैक ने हमारे साथ हाथ मिलाया है, आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी प्रशांत किशोर की कंपनी का नाम है। ये कंपनी कई राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए काम करती है। 2013 में प्रशांत किशोर ने 2014 के आम चुनाव से पहले एक मीडिया और प्रचार कंपनी सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाई थी। प्रशांत किशोर को पीएम मोदी के लिए मार्केटिंग और विज्ञापन अभियान बनाने का श्रेय दिया जाता है। बताया जाता है कि चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी और कई सोशल मीडिया कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने मोदी की छवि चमकाने का काम किया। किशोर 2014 में लोकसभा चुनाव तक मोदी की टीम के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। 2014 के आम चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने सीएजी को आईपैक में बदल दिया। आईपैक ने बिहार, पंजाब चुनाव में भी चुनावी रणनीतिकार एजेंसी के तौर पर काम किया। आईपैक अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी काम कर रही है। इसी बीच बीजेपी ने भी पीके को अपने निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को भड़काना बंद करे वरना बीजेपी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। बयान कोई हल्का बयान नहीं है और उनका बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से उनका इंडिकेशन है। अब ये इंडिकेशन मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ममता बनर्जी की ओर से होगा, चूंकि इन दिनों उनके साथ जुड़े हुए हैं और हो सकता है बीच में शिवसेना के लोगों से भी जुड़े हुए थे। ये तो एक हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी जुड़े हुए थे, तो हमें लगता है कि एक ये आदमी है क्या आखिर। आज की तारीख में प्रशांत किशोर जी पॉलिटिशियन हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं जो हायर किए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, ये क्या है मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए ये किनके कॉन्ट्रैक्ट से बोल रहे हैं या किनके हायर करने पर ये बोल रहे हैं ये प्रशांत जी जानेंगे। और निश्चित तौर से हम लोग आहत हैं इस बात से, उनके इस बयान से भाजपा के लोग आहत हैं, केंद्र की सरकार आहत है। उनको ये बयान नहीं देना चाहिए और जो आग लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको बिल्कुल हम लोगों ने नियंत्रित किया है, हमारे नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे तमाम लोगों ने, उसमें और जो ये पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं ये जनता और हम सब बर्दाश्त। प्रशांत किशोर के ये तेवर जेडीयू के लिए भी एक सवाल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कभी बिहार, पूर्वांचल के लोगों पर सवाल उठाए थे, आज उसी अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए एक बिहारी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।